नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, उम्मीद करते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में तरक्की का नया सफर शुरू होने वाले हैं। दोस्तों दिन दुगनी रात चौगनी अब आप करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 5 दिनों का समय आपके कुंडली में कुछ ऐसी बड़ी बदलाव होने वाले हैं, कुछ ऐसे बड़े घटनाएं होने वाले हैं जिनसे दोस्तों जबरदस्त बदलाव आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आसपास कोई ना हो तभी आप इस वीडियो को देखना, बिल्कुल भी इस राज को किसी और के कान में जाने मत दीजिएगा। क्यों दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब धन की देवी माँ लक्ष्मी का असीम कृपा दृष्टि आपके कुंडली पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों योग हैं तो माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद अब आप सभी की जीवनकाल में आपको प्राप्त होने वाले हैं, और माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद से आपके भी जीवनकाल में कुछ ऐसे बड़े चमत्कार होने वाले हैं, कुछ ऐसी बड़ी घटनाएँ होने वाले हैं जिनसे दोस्तों आपके पूरे समाज में हड़कंप मच जाएगा। आपको लोग देखने के साथ गौर भी करेंगे। जो लोग आपको इग्नोर करते थे दोस्तों, अब वो आपको गौर करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ग्रहों का कुछ ऐसा ही संयोजन हो चुका है जो कि माँ लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर देव का भी असीम कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 5 से 6 दिनों का समय आपके तरक्की का समय होगा। जी हाँ दोस्तों, अब माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवनकाल में कुछ ऐसे मोड़ आने वाले हैं कि दोस्तों देखने वालों का होश उड़ जाएगा और आप सभी का जीवन देखते ही देखते 0 से 100 का सफर तय करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी को बता दें कि अब आपका वह वक्त आ चुका है जिसके लिए आप पिछले कई समय से मेहनत कर रहे हैं, पिछले कई समय से आप जिनका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों अब वो आपका वह समय आ चुका है। स्वयं धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके साथ ऐसी कृपा दृष्टि दिखाने वाले हैं कि दोस्तों आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दें कि हम यह बात जानते हैं कि भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। जी हाँ दोस्तों, और अब आपका वह समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम अपने जीवनकाल में सिर्फ कर्म करते हैं और उस कर्म का फल भगवान हमें एक न एक दिन जरूर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह समय आपका वह दिन है, वह कामयाबी का दिन है, आपके मेहनत के फल का दिन है, आपके परिश्रम के परिणाम का दिन है। दोस्तों ऐसे में जो बात आज के वीडियो में बताने वाले हैं, दोस्तों ये बात आप किसी के कानों कान खबर होने मत दीजिएगा। क्यों दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह बात आपके जीवन काल में बिल्कुल ही पूरी जीवन को बदल कर रख देने वाली साबित होंगी, और यह बात अगर कोई सुन लेगा तो दोस्तों आपके जीवन काल में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। यूं कहें तो आप अपने सफलताओं से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह बात बिल्कुल भी किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ही आप अकेले हैं, बिल्कुल ही आपके आसपास कोई ना हो तभी दोस्तों आज के इस वीडियो को देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, और फिर जो बात हम आपको बताने वाले हैं, जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है, दोस्तों सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी कहेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, आपने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 5 से 6 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय होगा। दोस्तों आने वाले 5 दिनों के अंदर आप अपने ही हाथों अपने इतिहास को लिख लेंगे। लेकिन दोस्तों यश में अगर आप कोई भी गलती करेंगे, कोई भी नादानी करेंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आप अपनी सफलताओं से वंचित रह सकते हैं, इस मौके को आप खो सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस बार आप कोई भी गलती मत कीजिएगा, और दोस्तों आप अपनी किस्मत को जो दोष देते हैं तो दोस्तों वो दोष आप भूल कर भी मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों भगवान ने ये मौका, ये जो फैसला है आपके ही हाथों रखा है। तो दोस्तों इसी में आपको क्या करना है, दोस्तों इसी में आपको आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखना होगा, और जो महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं दोस्तों ने आपको ध्यान से सुनना होगा, तभी दोस्तों आप अपने जीवनकाल में ये सभी खुशखबरी, सभी बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए बात करते हैं। सर्वप्रथम जो भी माँ लक्ष्मी के सच्चे प्रिय भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें,
और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। धन की देवी माँ लक्ष्मी आपकी सारी कष्टों को दूर कर देंगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में संतोषजनक समय चल रहा है, जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से आपको काम निपटाने का प्रयास करना चाहिए तथा दोस्तों अपनी कार्यक्षमता और योग्यता पर विश्वास रखना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों कुछ राजनीतिक लोगों से मेलजोल या फिर मुलाकात बेहतरीन साबित आपके लिए होंगे। यश में आपके उनसे जो कुछ सीखने को आपको मिलेगा जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में सावधानी को लेकर अगर बात करें तो दोस्तों यश में ध्यान रखें कि अधिक सोच विचार करने में कुछ परिणाम जो है आपके हाथ से निकल सकते हैं। स्वभाव में यश में घमंड और अति आत्मविश्वास जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ना आने दें। दोस्तों यश में सेविंग में भी आपकी कमी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, यदि आप नई प्रॉपर्टी या फिर घर खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए पेशा जोड़ना शुरू करना होगा। आपके द्वारा दी गई लोन की अर्जी यश में नकारा जा सकता है, लेकिन दोस्तों पैसे से जुड़ी मदद आपको परिवार के मित्रों से प्राप्त हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों पैसे से जुड़ी चिंता पड़ने की वजह से आप जो है किसी भी काम पर पूरा ध्यान यश में नहीं लगा पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों घर को सुव्यवस्थित रखने में आपकी विशेष रुचि रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां आपके सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच से काफी हद तक सुलझ जाएंगी। साथ ही दोस्तों थकान की दिनचर्या से सुकून पाने के लिए किसी एकांत या फिर धार्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, किसी मित्र या फिर रिश्तेदार की गलत सलाह के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। बेहतर है कि दोस्तों अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें और दोस्तों अपने गुस्से और अहम जैसी नकारात्मक कमियों में सुधार लाने के लिए आपका जो समय होगा अति उत्तम समय होगा। इनमें आप सुधार लाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अपनी भावनाओं को काबू में करना भी आपके लिए यश में आसान रहेगा। अधिकतर समय आप अपने विचारों में खोए रहेंगे और इनकी वजह से आप जो है किसी जटिल प्रश्न का भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों दूसरों के प्रति भी रखी अपेक्षाओं को कम रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों दृढ़ निश्चय होकर अपने प्रत्येक कार्य में ध्यान दें। आर्थिक दृष्टि से ये जो दिन है, ये जो समय है आपके लिए बेहतरीन उपलब्धियाँ ला रहा है। इसके उपरांत दोस्तों यश में रचनात्मक तथा मन मुताबिक गतिविधियों में भी आप व्यस्त रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में ग्रह स्थिति कुछ ऐसी है कि दूसरों की सलाह पर काम करने की अपेक्षा स्वयं पर भरोसा रखें। दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। कभी कभी गुस्से या फिर वाणी में कटुता की वजह से बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान दें और अपने वाणी पर संयम रखकर ही कार्यों को शुरू करें। इसके बाद दोस्तों यश में आपके अंदर की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों को संतुलित रखना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दूसरों के द्वारा कही गई बातों से जो आपको मानसिक तकलीफ होती है, उस तकलीफ की वजह से आप जो है गलत निर्णय यश में ले सकते हैं, इसलिए दोस्तों खुद को शांत रखने का प्रयास यश में आपको करना चाहिए। दोस्तों दूसरों की बातों में आकर व्यक्तिगत जीवन के लिए या फिर व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप जो निर्णय में बदलाव न लाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पिछले कुछ दिनों से चल रही थकान भरी दिनचर्या से सुकून पाने के लिए आपको जो है रुचिपूर्ण कार्यों में अपना समय को व्यतीत करना चाहिए। यश में आपका कोई रुका हुआ या फिर उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, इसकी संभावना बन रही है। परंतु दोस्तों इसमें ध्यान रखिए कि पैसे आने के साथ साथ खर्चे भी रहेंगे। दोस्तों इसमें लापरवाही में आकर किसी भी नियम का उल्लंघन ना करें, अन्यथा कानूनी पचड़े में भी आप फंस सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अभी वक्त आपके पक्ष में ही रहेगा। करीबी व्यक्ति द्वारा आनंद आपको प्राप्त होगा, परिवार और मित्रों में जो है आपका प्रभाव बना रहेगा। दोस्तों आपकी व्यक्तिगत दिनचर्या से जुड़ी हर बातों में आपको प्रगति प्राप्त होगी। दोस्तों यश में मन आनंदित रहने की वजह से छोटी बातों का भी आप पूरा लुप्त यश में उठा पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों व्यापारियों को प्रगति प्राप्त होगी और नए व्यापार की योजना भी यश में बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में कुछ भरोसेमंद पार्टियों से आपको नए प्रस्ताव भी मिलेंगे। दोस्तों यश में लाभदायक स्थितियाँ आपके लिए रहने वाली है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में बहुत धैर्य और संयम रखने की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है अकारण मतभेद होने की आशंका बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय के क्षेत्र में मैनेजमेंट तथा कर्मचारियों के बीच तालमेल बनाकर रखें।
दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे उनकी लापरवाही की वजह से दिक्कतें आ सकती है। मीडिया और मार्केटिंग संबंधी कामों को यह समय स्थगित रखें, ये आपके व्यवसाय के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपकी लापरवाही की वजह से कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य आपका बिगड़ सकता है। दोस्तों यह समय अपने भविष्य संबंधी किसी भी योजना को स्थगित रखकर वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान को जो है केंद्रित रखें, ये भी आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों जल्दी ही समय की चाल आपके लिए अनुकूल होंगे, नौकरी में भी किसी प्रकार की यश में यात्रा संभव होगी। इसके बाद दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों इनकम के संसाधनों में भी कुछ कमी रह सकती है, परंतु दोस्तों जल्दी ही परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, इसलिए दोस्तों अपने कार्यों के प्रति ध्यान को केंद्रित रखें। नौकरी पेशा लोगों को यह समय ऑफिस में सामंजस्य बिठाने की में जो है कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप इसमें कामयाब रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय आपके मुश्किल समय में जीवन साथी का सहयोग आपके लिए जो है संजीवनी का कार्य करेगा। दोस्तों सिर्फ अपने गुस्से व फिर आवेश पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, ये आपके लव लाइफ के लिए इसमें बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पारिवारिक वातावरण यश में सकारात्मक बना रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों में कभी कभी आत्मविश्वास या फिर अविश्वास जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इनसे आप बचने की कोशिश करें। यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, पति पत्नी के संबंध यश में उत्तम रहेंगे, प्रेम संबंध पारदर्शिता बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों अलगाव की स्थिति भी यश में उत्पन्न हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी के संबंध यश में ठीक रहेंगे, परंतु घर में कुछ ना कुछ परेशानियां रह सकती है। दोस्तों परेशान ना होकर समस्या का हल ढूंढने, ये आपके लिए बेहतर होंगे, और दोस्तों कोशिश करने से आपको समस्या का हल भी यश में मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य ने सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में ज़्यादा तनाव लेने की वजह से हार्मोन संबंधी दिक्कतें आ सकती है, योगा और मेडिटेशन पर आपको ध्यान देना यश में उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, चेस्ट संबंधी दिक्कतें रह सकती है, खांसी जुकाम वगैरह भी आपको परेशान यश में कर सकता है। दोस्तों यश में सावधानी बरतना आपके लिए अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके सेहत के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कार्य क्षमता और ऊर्जा में कुछ कमी भी आपको महसूस कर सकते हैं, योगा और मेडिटेशन यश में आपके लिए उचित इलाज का होगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पाचन प्रणाली कमजोर रहेगी, क्योंकि दोस्तों यश में आपके ऊपर तनाव रह सकता है, हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन ही लें, ये आपके पाचन प्रणाली के लिए बेहतर होंगे, तो दोस्तों इन पर ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपका भाग्यशाली रंग रहेगा लाल और भाग्यशाली अंक रहेगा 8।